हेलो गाइज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1, इससे पहले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमको एक थ्योरम समझनी होगी। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं बस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का है। ये हमारी साइड ए है, ये बी है, ये सी मानी। तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये साइड निकालने का फॉर्मूला है। जैसे बी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ए निकालनी है तो ए स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ये याद रखने, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है? पहले दो क्वेश्चन करने से साइन ए साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, और दूसरे में क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं अपना। राइट, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल कितने, किस पे दिया है? बी पे, ये 90 डिग्री का। ए बी का हाइट कितनी दिया? 24 सेंटीमीटर, बी सी की 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं पता तो ए सी निकालना पहले हमें। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ए सी का फॉर्मूला क्या है? ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी का स्क्वेयर प्लस में बी सी का स्क्वेयर। ए बी क्या दिया आपको? 24 का स्क्वेयर, बी सी क्या दिया? 7 का स्क्वेयर। 24 का स्क्वेयर क्या होता है? 576 प्लस में 7 का 49, कितना हुआ है? 625। अब ए सी निकालना सीधा हमको, ए सी अंडर रूट 625। अंडर रूट समझ आया कैसे आया? स्क्वेयर था उधर जाएगा तो रूट में गया, तो ए सी कितना आया? 25। कितना आ गया ए सी? 25। अब क्या करना है हमें? पहला क्वेश्चन करना है साइन ए, इस पर निकालना है, इस पे थीटा क्या माना है? ए पे पहले। तो यही करते हैं, साइन ए, साइन ए क्या आएगा? थीटा क्या क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये बी सी, ये इस पर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर
अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन में ए बी, साइन ए इक्वल टू बी सी कितना है 7 और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर आंसर। ये क्या आएगा साइन ए। सॉरी 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 सॉरी, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए सी कितना है 25 वो ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब करते हैं कॉस ए दूसरा, कॉस कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसमें ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, कितना है 24 अपॉन में 25, ये आपका आंसर। ये पहले हो गया, दूसरा गया साइन सी या कॉस सी निकालना। अब साइन सी, साइन डी क्या होता है, ट्राइंगल बनाते हैं, एक पहले छोटा से बना लेते हैं ए बी सी, ए बी कितना था 24 7 25 साइंस क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ए सी 24/25। अब क्या निकालेंगे कॉस सी, और थीटा किस में निकालना है इस पे, ये थीटा सी लेंगे इसे। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या दिया आपको बी सी, हाइपोटेनियस क्या दिया ए सी। बी सी क्या है 7/25 आंसर। पहला क्वेश्चन हुआ, अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिखा, क्या करना है फाइंड फिगर देखेगा, उसमें निकालना है 10 फी माइनस में कॉट आर। फिगर क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर, पी की वैल्यू दे रखी है 12, पी आर की 13 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकालना पहले, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी आर क्या निकालना है, क्यू आर, क्यू आर क्या होगा, क्यू आर स्क्वेयर क्या होगा, पी आर स्क्वेयर माइनस में पी क्यू स्क्वेयर, पी आर स्क्वेयर माइनस में पी क्यू स्क्वेयर। तो क्यू आर क्या आएगा आपका, अंडर रूट
पी आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखते हैं। पी आर क्या 13 स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस में 144, 9 4 5 छः जाए 2 25 2 25 कितना है 5। तो क्यू आर कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया है 5। अब निकालने क्या है नाउ, टेन पी माइनस में कॉट आर, टेन पी क्या है पी निकालना है यहाँ पे थीटा, यहाँ टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें क्यू आर, टेन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस में कॉट आर। आर किस पर, कॉट किस पर निकालना है इस एंगल पे, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है टेन पी में, इस पे 5, बेस क्या है इसका 12 माइनस में इसका बेस क्या है 5, इसका परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 5/12 5 कैंसिल क्या बचेगा 0, हेंस टेन पी माइनस में कॉट आर इक्वल टू 0 आंसर। नहीं समझ आया होगा, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं अपना, राइट एंगल ए बी सी, ए किस पे दे रखा है इस टी टी पे, इस एंगल पे दे रखा है, तो साइन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा ये बी सी, बी सी कितनी है 3, हाइपोटेनस क्या आएगा इसमें ए सी कितना आएगा 4, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे ए बी किसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का, ये कैसे आया क्योंकि साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना देगा 3, हाइपोटेनस 4, ये आपका इसमें क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बे हाइपोटेनस, तो अब ये निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्रॉस थ्योरम फाइंड ए बी, ए बी क्या आएगा ए बी स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, इस पर रूट चढ़ा दो ए सी स्क्वेयर माइनस में बी सी स्क्वेयर ए बी, ए बी क्या आएगा ए सी कितना है 4, 4 का स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर 16 माइनस में 9 कितना आएगा 16 9 गए तो 7 अंडर रूट 7, अभी कितना आया रूट 7, क्या क्या निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए इक्वल टू, कॉस क्या होता है इसी एंगल पे निकालना है
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपरटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, तो इसमें बेस क्या है थीटे पे, √7। ए बी हाइपरटेन्यूस क्या है, 4। क्या है आंसर, 7/4 सेंटीमीटर। दूसरे कहने करना 10A। 10 किस पर करना, इसी एंगल पे। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका इसमें 3, बेस क्या है √7। ये आपका आंसर, ये भी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है, दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। फाइंड आउट करना है साइन ए एंड cot A इक्वल टू क्या होगा, 8/15। तो ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए किस थीटे एंगल दे रखा है ये। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या दे रखा है इसमें 8, परपेंडिकुलर 15। ए सी निकालना है पहले, समझ आया। कोट क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या आएगा पे ये, इस पे निकाल रहे हैं हम एंगल ए पे, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल दे पहले। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये भी किया तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, 64 उसमें 2 टाइम स्क्वायर 225, 225 कितना हुआ है, 5.982 कितना आया, 17। इसका स्क्वायर रूट है 17 का। अब क्या निकालना पहले हमें, साइन ए इसमें निकालें। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15, हाइपोटेनियस क्या है 17। क्यों है परपेंडिकुलर ये, क्योंकि हमारा थीटा कौन सा है, ये वाला। क्या करना, सेक थीटा है, सेक ए, सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें 17, बेस क्या है 8। समझ आएगा, बेस 8 को एंगल ए पे निकाल रहे थीटा हमारा। उम्मीद है फोर्थ क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13
बाई 12। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेस निकालने हैं। कैलकुलेट अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सारे निकालने हैं। पहले क्या बनाते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सेक्टर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका? 13। बेस क्या है? 12। सेक थीटा इक्वल टू कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस तो ये क्या है? सेक हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कितना है? 13/12। हाइपोटेनस कितना? 13। बेस कितना? 12। क्या निकालते हैं? ए बी पहले, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस में माइनस में ए बी निकालना माइनस आएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? 13 माइनस बी सी कितना है? 12। 13 169 144 25। ए बी कितना आया आपका? 5 सेंटीमीटर। ए बी आया तीनों तीनों साइड हैं। अब हमको क्या करना है? साइन थीटा किस पे निकालना है? सी पे निकालना सारे। थीटा लेंगे सी वाला, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है? 5। हाइपोटेनस क्या है? 13। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दिया? 12। हाइपोटेनस कितना है? 13। साइन हुआ कैस, कॉस हुआ क्या हुआ? 10। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका? 5। बेस क्या है? 12। अब क्या करते हैं? अब क्या निकालेंगे? कॉट थीटा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दिया आपका? 12। 12 परपेंडिकुलर क्या है? 5। अब क्या निकालेंगे? सेक थीटा आपको दिया ही है, कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अपॉन में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है? 13। 13 परपेंडिकुलर क्या है? 5। ये
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की। क्वेश्चन सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन सिक्स में क्या दिया है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। क्या देखा है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट क्या प्रूव करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए को एंगल बी बराबर करना है। ठीक है सर। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम पहले एक ट्रायंगल मानते हैं, ये हमारी कोई लाइन है, ए बी ये सी डी, ट्राइंगल ए बी सी हमने ट्राइंगल माना है ए बी सी। लेट 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 एज्यूम द ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इन विच हमने एक लंब डाल दिया ए बी पर, सी डी, सी डी परपेंडिकुलर एट ए बी। इसमें क्या दे रखा हमें? ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल। तो हमें दे क्या गया है? कॉस ए इक्वल दे रखा है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के। तो कॉस ए क्या हुआ आपका? कॉस ए किस बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका? ये वाला ए डी। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। इसमें क्या है? डी बी अपॉन में बी सी। अब क्या करते हैं? इधर ए डी अपॉन बी डी करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ए डी अपॉन में बी डी, ए सी अपॉन में बी सी। डी की टर्म एक तरफ, सी की टर्म एक तरफ, और इनको हमें मान लेते हैं कांस्टेंट के। तो अगर इस सारे के को बराबर तो क्या होगा? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू के। तो ए डी वैल्यू क्या आई आपकी? के इंटू बी डी। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू के। ए सी क्या है आपका? के बी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। अब क्या करते हैं? सी डी की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कौन इसमें ट्राइंगल क्या होंगे? दो, एक तो सी ए डी, एक क्या होना? सी बी डी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्राइंगल सी ए डी
एंड सी बी डी। तो सी ओ डी में निकालते हैं हम पहले सी डी, सी डी सूत्र क्या आएगा, ये क्या आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या ए सी माइनस में ए डी, ए सी स्क्वेयर माइनस में ए डी स्क्वेयर, और इस वाले में क्या आएगा बी सी माइनस में बी डी, सी डी स्क्वेयर इक्वल बी सी माइनस में बी डी। इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ मानते हैं। अब इन दोनों से क्या निकला, सी डी क्या आया, सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू दोनों बराबर, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सी डी स्क्वेयर वी वो क्या मिलता है ए सी स्क्वेयर माइनस में ए डी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर। अब क्या करते हैं ए सी, हमने यहाँ पे क्या किस किस वैल्यू थी हमारे पास, ए सी की है और ए डी की है, ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर, बी सी की भी निकल जाएगी बी डी की भी निकल जाएगी, हमें इसकी वैल्यू रखते हैं। ए सी स्क्वेयर क्या था आपका के बी सी स्क्वेयर, ए सी के स्क्वेयर यूजिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले में क्या था हमारे पहले इक्वेशन में ए डी इक्वल के डी स्क्वेयर, तो पहले का ए सी, ए सी इक्वल क्या के बी सी, के बी सी का स्क्वेयर माइनस ए डी क्या के बी डी का स्क्वेयर, के बी डी का स्क्वेयर इक्वल टू ये क्या था बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। इसमें वैल्यू रख दो बी सी, बी डी क्या आएगा बी सी स्क्वेयर माइनस में बी डी का स्क्वेयर, यहाँ से के स्क्वेयर कॉमन लेंगे, के स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर, ये दोनों बराबर हो गए कट के क्या आ जाएगा वन इक्वल टू वन। हमको क्या दे रखा था पहले ए सी इक्वल टू, या ए सी इक्वल टू क्या है बी सी, ये हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर है, इसको रख देते हैं हम वैल्यू को इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट वो क्या मिलता है ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूस दोनों हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी बराबर, ये दोनों बराबर है तो एंगल ए और भी एंगल भी क्या होंगे इक्वल, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसका कारण क्या है जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आइसोस्केल्स, हेंस प्रूव्ड। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, अब इससे आगे चैप्टर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कौन इस वीडियो में कितने क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 6, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में 12 तक क्वेश्चन करेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हमारे इस एक्सरसाइज में देखते हैं अभी 11
इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे 8.1 को। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।